दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। हिम्मतनगर की जो घटना हुई, जिस तरीके से दंगे हुए और बताया जा रहा है 2-3 मरतबा ये दंगे किए गए, नमाज के वक्त के बाद, जोहर के नमाज के बाद 2-2.5 बजे के आसपास दंगे हुए, 5-7 बजे फिर दंगे हुए, 10 बजे रात फिर दंगे हुए और कई नुकसान यहाँ पर पहुँचाया गया, कई गाड़ियाँ जलाई गई, मकान जलाए गए, लूट की गई। और उसी को लेकर AIMIM के कई नेता यहाँ पर आए, एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर मुलाकात करनी थी साबरकांठा के SP साहब से। मुलाकात क्या कुछ हुआ, आवेदन दिया या क्या कुछ हुआ, बात करेंगे। वो क्या समताज पठान हैं, मुश्ताक भाई खादी वाला MIM के काउंसिलर हैं। समताज भाई, ये जो हुआ, जो कल की जो घटना हुई, रमज़ान का मौका है, रामनवमी का भी मौका है और ये जो घटना हुई, क्या कहेंगे? देखिए, कल जो घटना हुई है वो बिल्कुल सुनियोजित घटना है और लगातार परसों से आशंका व्यक्त की जा रही है कि रामनवमी के मौके पर इस तरह की घटनाएं घट सकती है और जिस तरह से गुजरात के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की घटनाएं घटने की खबरें आई हैं, खंबात में भी कुछ घटनाएं हैं और जामनगर में भी कुछ घटनाओं का सुन रहे हैं और अलग अलग जगहों पर भी छिटपुट घटनाएँ सुनाई दे रही। लेकिन जिस तरह से कल हिम्मतनगर में हुआ है और हिम्मतनगर में आज सुबह से ऑल इंडिया मस्जिद से इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन का गुजरात का डेलीगेशन मेरे साथ में अहमदाबाद शहर के सदर सईद मुतवाला साहब, हमारे गुजरात प्रदेश के संगठन मंत्री और जमानपुर के काउंसिलर मुश्ताक भाई खादीवाला और दूसरे और प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। अलग अलग विस्तार हैं, उनकी मुलाकात ली, अलग अलग व्यक्तियों से मुलाकात ली, अलग अलग संगठनों के उनसे मुलाकात ली और उनसे जानने के बाद ये पता चला है कि एक रैली जो 4 बजे निकलती है वो हमेशा से निकलती थी, लेकिन कल कुछ अलग अलग रैलियाँ सुबह से निकल रही थी। उन रैलियों में जिस तरह से कि रिहर्सल कर रही हैं और तलवारों के साथ वो रैलियों में लोग घूम रहे थे और लोगों को उत्तेजित करने वाले नारे लगा रहे थे और एक घटना ये पता चली है कि छपरिया के पास में कहीं पर कोई इस्लामिक मजहबी झंडा था, उसको उतार के उसकी बेइज्जती भी की गई है, उसके बाद चीज़ें बिगड़ी हैं और फिर भी लोगों ने बहुत कंट्रोल किया और रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन सामने कई सारे लोग थे और हमने देखा है कि वहाँ पर रास्ते में कई सारे चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था और कई सारे वीडियो आए हैं जिसमें हम देख रहे हैं किस तरह से ज्वलनशील पदार्थों का इस्तेमाल करके जलाया जा रहा है। तो ये सारी घटनाएं आज हमको यहाँ पर लोगों से भी जानने में मिली हैं। तो आज हम चाह रहे थे कि SP साहब से मिलकर उनको सारी घटना के बारे में उनसे बात करेंगे और उनको ऑल इंडिया मस्जिद से इत्तेहाद उल-मुस्लिमीन की तरफ से एक आवेदन पत्र भी देंगे, लेकिन हमारे यहाँ पहुँचने के पहले शायद SP साहब से निकल गए, मुलाकात नहीं हो पाई। वैसे कल हमारी टीम ने अहमदनगर शहर के प्रमुख ने तमाम अधिकारियों को लिखित में अपना आवेदन पत्र भेजा था और आज ये पूरी घटना की यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग करने के बाद हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब के साथ हम लोग अभी यहाँ से निकलकर सीधे DGP ऑफिस गांधीनगर जाएंगे और उनको पूरी घटना और पूरे यहाँ के माहौल से अवगत कराएंगे। दूसरा, जिस तरीके से जो बताया आपने कि 2 रैलियाँ निकली, मैंने भी जब यहाँ के लोगों से बात की तो यही कहा कि पहले एक रैली निकली थी, उसके बाद दोबारा एक और रैली निकली, क्योंकि पहली रैली के बाद में ऑलरेडी हालात ख़राब हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद BJP के यहाँ के विधायक की रैली निकली, उसके बाद में हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जो मुद्दे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे सुनियोजित थी और राजनीतिक तौर पर और BJP के विधायक का रैली निकालना कि एक बार माहौल ख़राब हो गया। जो शासक पक्ष में होता है वो ये चाहता है कि माहौल शांत हो, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और सरकार के ऊपर ठीके ना उठे, लेकिन एक ऐसी सरकार है जो ये चाहती है कि माहौल ख़राब हो, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो और वो अपनी रोटियाँ सेकते रहें उन मुद्दों पर, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लोगों की बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में पिछले 25 साल से कुछ नहीं किया है, इसीलिए वो गुजरात में उस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं। और एक रैली जब ऑलरेडी निकल चुकी थी और ये चीज़ें काफ़ी बिगड़ चुकी थी, उसके बावजूद भी विधायक का रैली निकालना वो ये दिखाता है कि सीधे तौर पर कल के पूरा जो भी घटना हुई उसको सरकार का संरक्षण हासिल। अच्छा, दूसरा, जो मकान जलाए गए, लूटे गए, जो गाड़ियाँ जली हुई नजर आई सारी, तो क्या जिनकी गाड़ी जली, जिनकी दुकानें जली, क्या उनकी तरफ से भी कोई FIR की गई है, कुछ खबर है इसकी? देखिए, अभी तक कोई FIR उनकी तरफ से की गई है ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी जो जानकारी में है कि पुलिस ने अलग अलग 2-3 FIRें की हैं, हम लोग को कोशिश कर रहे हैं कि तमाम FIR हम तक हमको मिले और पुलिस ने कुछ लोगों को नामजद और कुछ बड़े मॉब को उसमें बताया है कि 700 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे,
लेकिन जो आई विटनेसेस उनका कहना है 10,000 से ज़्यादा के लोग रैली वहाँ पर थे और वो तमाम लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो एक बार FIR आ जाएगी। और दूसरा, जिस तरीके से देश भर में हम देख रहे हैं कि रामनवमी को लेकर हालात खराब हो रहे हैं, इस तरीके से रैली निकलती है, उसमें उल्टे सीधे गाने बजते हैं, प्रवोक किया जाता है एक समुदाय को वहाँ पर, तो इतना सब ऑलरेडी देश में हो रहा है, उसके बावजूद भी ये सब खबरें आ रही है लगातार सोशल मीडिया पे कि यूपी में हुआ, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, उसके बाद गुजरात में भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा फेल्योर कहा जाएगा प्रशासन का। देखिए, प्रशासन का फेल्योर तो अगर सरकार अगर निष्पक्ष है तो इसको प्रशासन का फेल्योर कहेंगे, लेकिन अगर सरकार इस तरह की है कि जो ये चाहती है कि इस तरह की घटनाएँ घटती रहें और वो हिंदू मुसलमान के बीच में आपस में नफरत फैलाकर बुनियादी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाते रहें और हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर चुनाव कराकर सत्ता हासिल करते रहें, तो उनके लिए तो ये एक खाद पानी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।